हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपलीफाई होम। सो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपनी वीकली मील प्लानिंग कैसे करती हूँ। मील प्लानिंग आप वीक के लिए कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, कुछ लोग सिक्स मंथ के लिए भी करते हैं। मील प्लानिंग वैसे तो क्या है, तो मील प्लानिंग मतलब कि एकदम सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊँ तो प्लानिंग जो हम कुछ भी काम करते हैं तो पहले हम प्री प्लान करके रखते हैं, तो बस वही है। हम वीक में जो भी कुछ खाना चाहते हैं वो हमें प्री प्लान करना पड़ेगा, उसे ही हम मील प्लानिंग कहते हैं। अगर हम मील प्लानिंग करके चलते हैं तो बहुत ही इजी रह जाएगा पूरा वीक, मतलब बिल्कुल सिंपल से निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा। इट सेव्स अ लॉट्स ऑफ टाइम, सो हमेशा मील प्लानिंग करके चलिए। तो मील प्लानिंग के लिए सबसे ज़रूरी है लिस्ट बनाना। तो पहले तो आप अपनी ग्रोसरी देख लीजिए क्या क्या है, उस हिसाब से ही आप लिस्ट बनाइए। जैसे कि मैंने अपनी ग्रोसरी में देख लिया है, सब्जियां देख ली है, उस हिसाब से मैंने अपना मील प्लानिंग कर लिया है। तो एक लिस्ट बना के रख लिया है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो मंडे टू फ्राइडे तो प्रॉपर लंच, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर होता ही है। सैटरडे संडे तो ऑफ भी ले सकते हैं या फिर बाहर भी खाने जा सकते हैं। और स्नैक्स में अगर आप टाइम नहीं है तो स्नैक्स आप बाहर से भी ला सकते हैं। वैसे तो मैंने स्नैक्स भी प्रिपरेशन किया है। तो सबसे पहले तो बात आती है मसालों की, तो ये मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट ऑलरेडी तैयार करके रख ली है। तो मसालों से ही स्टार्ट करते हैं। ये मेरा ऑल इन वन मसाला है जो मैं हमेशा अपने घर पर मील प्लानिंग में बनाती हूँ। बहुत ही ईजी है, आप भी ये अगर ट्राई करेंगे तो आपका आधा काम तो मतलब एकदम फ्रीली निकल जाएगा। तो ट्राई। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली, अदरक लहसुन की पेस्ट ग्राइंड करके रख ली है और इसके अंदर मैं 3 बड़े चम्मच रेड चिली का पाउडर डालूंगी। उसके बाद 3 बड़े चम्मच मैंने क्यूमिन एंड कोरिएंडर सीड का पाउडर डाला है। उसके बाद 1 बड़ा चम्मच मैंने हल्दी का पाउडर डाल दिया है और 2 से 3 टेबलस्पून जितना हम ऑयल इसके अंदर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद मैं उसके अंदर 1/2 टेबलस्पून जितना सॉल्ट डालूंगी। अब हम अच्छे से मिक्स करके इसे एक जार में भर लेंगे। ये मसाला बिल्कुल बहुत ही इजी है, आप घर पर ट्राई कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। क्योंकि रोज़ रोज़ तो हम पनीर चिली या पनीर मखनी तो नहीं खाते हैं, रोज़ तो घर का ही खाना खाते हैं। तो अगर रोज़ हम सब्जी बनाते हैं, रोज़ भरों की सब्जी है जैसे कि कॉलीफ्लावर है या फिर कैबेज है, या फिर रोज़ हम राइस के साथ दाल जो खाते हैं, वो दाल में भी ये मसाला मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। मेरे लिए तो बहुत ही ईजी रह जाता है क्योंकि हमें बार बार अपने डब्बे खोल खोल के मसाला डालना नहीं रहता। ये बस 1 टेबल स्पून जितना मसाला पूरी सब्जी के लिए काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप 2 टेबल स्पून भी डाल दीजिए, लेकिन ये ईजी रह जाएगा। देखिए, एक ही जार में पूरा अपना मसाला आ चुका है। तो ये बहुत ही ईजी है, मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। और अब हम चलते हैं हमारे ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन की तरफ। तो ब्रेकफास्ट में जैसे कि मैंने रखी है ओट मील, फिर मैंने रखा है ब्राउन ब्रेड एंड आमलेट, फिर मैंने रखा है कुछ अपना सूजी का जो उपमा। तो ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो मैंने अपना घी बनाने के लिए रख लिया है, ओट्स को रोस्ट कर लिया है और फिर मैंने उसी पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और मैं सूजी को भी रोस्ट कर रही हूँ। फिर मैंने सोचा है कि मैं एक दिन ढोकला बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में। तो ये देखिए, मैंने ढोकला का मिक्सचर, मैंने मेरे पास एक कॉफ़ी ग्राइंडर है, उसमें मैंने ढोकला का मिक्सचर भी ग्राइंड करके रख लिया है। तो ये देखिए, मेरे ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन हो चुकी है। अब मुझे सुबह उठकर बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या बनाऊँ आज, क्योंकि ये मैंने प्लान करके रखा है।
भी रेडी है, सब कुछ रेडी है। तो इसी तरह से आप सब कुछ पहले से प्लानिंग कर लेते हैं तो आप सुबह में उठकर सोचना नहीं पड़ेगा और सब कुछ रेडी होगा तो बिल्कुल आपको कोई टाइम नहीं लगेगा बनाने में, फटाफट से बन भी जाएगा। जैसे कि सूजी रेडी है तो उपमा बनकर रेडी है, जैसे कि ओट्स मैंने रोस्ट कर लिए हैं तो सिर्फ मिल्क डालकर मुझे सिर्फ ओट मिल बनाना रहा। फिर ये है मेरा ढोकला का बैटर जो मैंने अगले दिन ही सोक करके रख लिया था, तो दूसरे दिन मैं अभी ढोकला बना लूँगी। तो इसी तरह से मेरा जो ब्रेकफास्ट रूटीन है मेरे लिए बहुत ही ईजी हो गया है। फिर इसके बाद हम चलते हैं तो हमारे लंच के प्रिपरेशन की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं वॉलमार्ट में से मुझे जो भी सब्जियां मिली वो मैं लेकर आई। तो यहाँ पे मैं धनिया लेकर आई हूँ, इट्स ए ग्रीन कोरिएंडर, उसे मैंने अच्छे से 2 से 3 पानी से धो लिया है और देखिए बिल्कुल अपने धनिया ड्राई हो गए हैं। जब बिल्कुल वो ड्राई हो जाए उसके बाद मैंने उसे अच्छे से चॉप कर लिया है और अब मैं इसे कंटेनर में भर लूँगी। नीचे एक टिश्यू लाइनर लगा रही हूँ। देखिए धनिए में थोड़ा भी पानी नहीं रहना चाहिए, अगर पानी रह जाएगा तो फिर धनिए थोड़े से काले काले होने लगेंगे, बिगड़ने लग जाएंगे। तो इसमें से आधे धनिए की तो मैं चटनी बना रही हूँ और आधे धनिए मैं स्टोर करके डेली यूज़ के लिए रख रही हूँ। फिर है कॉलीफ्लावर, तो कॉलीफ्लावर मैंने चॉप करके रख लिया है क्योंकि अगले नेक्स्ट 2 दिन में मैं कॉलीफ्लावर बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने चॉप करके एक कंटेनर में भर लिया है। कॉलीफ्लावर अगर आप 2 दिन में यूज़ करने वाला है तो ही आप चॉप करके रखिए, वरना वो थोड़ा सा स्मेली हो जाता है। तो ये देखिए मेरी सब्जी तैयार थी, मेरा मसाला भी तैयार था, तो कॉलीफ्लावर की सब्जी भी बन करके रेडी हो गई है। अब इसे राइस के साथ, दाल के साथ, रोटी के साथ, किसी भी साथ हम सर्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये है एक टर्निप ग्रीन्स, तो उसे भी मैंने अच्छे से 2-3 पानी से धो लिया है, सुखा लिया है। अब मैं इसे अच्छे से चॉप्ड कर लूँगी और एक कंटेनर में भर करके रख लूँगी ताकि जब भी मुझे उसका सब्जी बनानी हो या फिर वो जो स्टीम्ड मुठ्ठी आते हैं वो बनाने हो तो उससे आप कुछ भी बना सकते हैं, आप पराठा भी बना सकते हैं इसके, तो वॉट एवर आपको जो भी अच्छा लगे वो बना सकते हैं। तो ये मैंने चॉप्ड करके रख दिया है। फिर इसके बाद ये स्पिनच है, तो स्पिनच ऑलरेडी धुली हुई है, फ्रेश है, तो उसे तो बिल्कुल मतलब उसकी मैं सब्जी बनाऊंगी तो उसे तो बिल्कुल ऐसे ही मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो ये देखिए सब कुछ हमारा रेडी है तो सब्जी बनते देर नहीं लगती है। मैंने थोड़ा सा अनियन डाल दिया है अपनी इस ग्रीन्स में। देखिए आप रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ या फिर राइस और दाल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। फिर ये है पर्पल कैबेज, पर्पल कैबेज को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अब मैं एक फॉइल में थोड़ी सी कैबेज निकाल लूँगी अपनी सलाद के लिए और बाकी की जो कैबेज है उसकी मैं सब्जी बना लूँगी। तो आपको जब भी खाना हो आप इसी तरह से पैक करके आप फ्रिज में रख सकते हैं, फिर आप जब भी खाना हो तब आप निकाल करके ये सब्जी बना सकते हैं। जैसे कि ये देखिए इसके अंदर मैंने अपने जो ऑल इन वन मसाला का जो रेसिपी आपको दिया था बस मैं उसी से ही सब्जी बना रही हूँ पर्पल कैबेज की। वैसे तो मुझे वाइट वाला कैबेज नहीं मिला इसीलिए मुझे पर्पल कैबेज लेना पड़ा। तो इसके अंदर मैं आलू डालकर वो जो कैबेज और आलू की सब्जी होती है मैं बस वही बना रही हूँ। तो देखिए मसाला रेडी है, चॉप्ड वेजिटेबल रेडी है, तो बनते देर नहीं लगती है। फिर ये शिमला मिर्च है, लाइक कलरिंग है, उसे भी मैं अच्छे से चॉप्ड कर लूँगी। इसे आप चाहे तो वेजिस में मतलब कि मैं इसका मिक्स्ड वेजिटेबल राइस बनाऊँगी, आप चाहे तो पिज्ज़ा टॉपिंग पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप जो भी कुछ चिल्ले बनाते हैं उसके अंदर भी डाल सकते हैं, जैसे कि स्पाइसी पैनकेक्स होती है उसके अंदर भी डाल सकते हैं, बहुत ही इजी रह जाता है। फिर मैंने डिनर की प्रिपरेशन कर ली है, तो डिनर में मैंने स्प्राउट्स रखे हैं,
इंडिया में तो वैसे स्प्राउट्स बाजार से ही मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो मैंने मसूर के स्प्राउट्स को सैटरडे संडे जब भी मुझे टाइम मिलता है मैंने स्प्राउट्स करके रख लिए हैं। तो ये थोड़े से ज़्यादा है तो थोड़े मैंने कंटेनर में भर करके रख लिए हैं अपने सलाद के लिए। और ये देखिए 2 दिन के बाद मैं देख रही हूँ बिल्कुल वैसे के वैसे है। जब भी आप स्प्राउट निकालें और आप फ्रिज में रखना चाहें तो उस पर पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल सूखे ही रहने चाहिए, तभी वो अपने लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं। तो ये देखिए 2 मिनट मैंने उसे पानी में उबाल करके एक अच्छे से सलाद बना ली है आवोकाडो डाल करके। तो उसी तरह से मैंने मूंग का भी स्प्राउट किया था तो उसे उसका भी मैं सलाद ही बना रही हूँ। अगर आप लॉन्ग टाइम तक स्प्राउट्स रखते हैं तो उसमें पानी नहीं जाना चाहिए, सूखे ही होने चाहिए, तभी आपका स्प्राउट अच्छे से रह सकते हैं। फिर जब भी आपको बनाना हो तब आप धो करके यूज़ कर लीजिए। फिर हम चलते हैं हमारे रोटी डो की तरफ। तो रोटी डो मैं 2 वक्त जितना चले उतना ही रोटी डो मैं बनाऊंगी। वो इसलिए क्योंकि ये मेरा थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे 2 दिन से 3 दिन से मतलब कि 2-3 दिन से ऊपर आटा हो जाता है तो फिर वो काला पड़ने लग जाता है। जैसे कि ये मेरा 2 दिन के ऊपर हो चुका है और ये आटा देखिए आप कितना काला हो गया है और थोड़ा सा स्मेल भी हो रहा है उसके अंदर से थोड़ी सी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप रोटी डो मतलब आज शाम के लिए बना रहे हैं तो कल शाम जितना बना लीजिए रोटी डो, उससे आगे का मत बनाइए। तो देखिए इतने सारे प्रिपरेशन आप कर लेते हैं तो रोटी डो तो हम इतना टाइम तो हम निकाल ही सकते हैं कि हम रोटी डो फ्रेश बनाएं। मैं 2 टाइम जितना रोटी डो ही बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो ये देखिए मेरी सब्जी कटी हुई है, धनिया कटे हुए हैं, ये देखिए मैंने धनिया की चटनी बना ली है। फिर ये मैंने स्प्राउट 2 मिनट पानी में उबाल करके रख लिए हैं तो उसके मैं सलाद बना लूँगी अच्छे से। फिर ये रोटी डो है, मुझे कल चल जाए उतना ही मैंने रखा हुआ है। तो ये थोड़ी बहुत प्रिपरेशन तो मैंने कर ली है। अब ये सब मैं फ्रिज में रख दूंगी। फिर मैंने एक दिन डिनर में रखा है कि मैं पनीर मखनी बनाऊंगी। तो यहाँ से इंडियन ग्रोसरी बहुत दूर है तो इसलिए मैं पनीर भी घर पर ही बना करके रख लेती हूँ। तो इसे अच्छे से चॉप्ड कर लूंगी और मैं इसे बाउल में भर लूंगी। देखिए इतनी सारी प्रिपरेशन हम कर लेते हैं तो हमारा जो वीक है टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। अगर आपका ये जो बिल्कुल सब कुछ रेडी होगा तो जैसे कि ये देखिए स्प्राउट का मैंने एक वद्दू बना लिया है अनियन डाल करके। फिर इसके बाद मेरा पनीर रेडी था तो मैंने पनीर मखनी बना दी 2रे दिन डिनर में। देन उसके बाद मैंने डिसाइड किया है डिनर में कि मैं बनाऊंगी बीन्स बनाऊंगी या फिर कुछ भी, आप जो भी डिसाइड करते हैं डिनर में तो आप अगले दिन ही आप सोक करके रख लीजिए। फिर ये बच्चे जब शाम को भूखे हो जाते हैं तो अगर एग बॉईल करके हम रख लेते हैं फ्रिज में तो यू नो छील करके सिर्फ देने को ही रहता है। फिर ये मेरी चने की दाल है जो मैंने भिगो करके रख दी है। तो एक नाइट डिनर में मैं चने की दाल बनाऊंगी। फिर मैंने सोचा है कि मैं मूंग बनाऊंगी तो मैंने मूंग को भी सोक करके रख लिया है तो 2रे दिन मैं मूंग बना दूंगी। देखिए आप सब्जी भी जब काटे तो इतना ध्यान रखिए कि जब काट रहे हैं तो 1 वीक तक चले उतना ही आप लाइए, उतना ही कीजिए, वरना आपका सब बिगड़ भी सकता है तो उतना ही कीजिए। तो 1 दिन मैंने श्रिम्प करी बनाई थी तो इसी तरह से मैंने प्री प्लान करके रखा था तो मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी बनाने में।
सो आई होप आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया हो, देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।